Okay guys, welcome back to the channel, welcome once again, and I'm ready with some new interesting vlog. So ये है नवी मुंबई महानगर पालिका, इसका vlog नहीं है आज. आज vlog special है, एक fort है, किला है, जो है बेलापुर किला. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा बुरुज है. So यहाँ पे नवी मुंबई महानगर पालिका और यहाँ पे बेलापुर fort का छोटा बुरुज है. और यहाँ से आप सीधा पाम बीच रोड से इधर से आओगे तो यहाँ से आपको यहाँ से टर्न लेना है एंड यहाँ से आगे जाना है. आगे आगे सब कुछ दिखाऊंगा इन अ सिंपल वे. और दो लोकेशन आज एक्सप्लोर करेंगे, एक है एक देवी माता का मंदिर है वो भी एक्सप्लोर करेंगे एंड गोवर्धन माता टेम्पल है वो भी एक्सप्लोर करेंगे. एंड आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको वो माता का टेम्पल मिलेगा एंड राइट मिल जाओगे तो बेलापुर फोर्ट का किला मिलेगा. वहाँ पे थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है और रिनोवेशन के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, वो सब कुछ इन फ्रंट ऑफ यू इन अ सिंपल वे. तो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल. और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, आप देख सकते हैं NRI सागरी पुलिस स्टेशन, जो कोस्टल पुलिस स्टेशन बोलते हैं वो यही है. सो अभी बस आपको थोड़ा बहुत ये देखो, यहाँ पे एक बुरुज है लेकिन ये मुझे अलाउड नहीं कर रहे अंदर जाना. सो यहाँ पे ये साइट कंस्ट्रक्शन ऐसी हो रही है. सो आप ये पूरा पॉज करके आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट कि यहाँ पे कैसा हो रहा है कैसा नहीं है. सब आगे जाके सब कुछ आपको पता चलेगा. ये देखो, ये कुछ फोटोग्राफ्स है, इस तरह था तो पूरा अभी गिर चुका हो. मतलब ये जो नीचे साइड कंडीशन है वो इसकी है, ये जो है ना ये इसकी है, लेकिन वो अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ से वो ये किला स्टार्ट होता है और आगे जाके ख़त्म होता है. तो आगे आगे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूँगा. सो आप ये इन्फॉर्मेशन देख लिए होगे तो थोड़ा आगे भी इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेंगे आप तो अच्छा रहेगा. तो देखते हैं अभी आगे आगे इन्फॉर्मेशन है. ये देखो, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बेलापुर फोर्ट्स, यहाँ पे थोड़ा मैप है लेकिन वो बारिश की वजह से थोड़ा सा निकल गया है तो आप पढ़ सकते हैं. और नेम ऑफ वर्क देख सकते हैं, बेलापुर फोर्ट एरियाज. और ये देखो, ये इस तरह का कुछ बनने वाला है. देखो, पूरा इन्फॉर्मेशन एक पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस तरह ये बनने वाला है. देखो यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से ये बनने वाला है. कैफेटेरिया भी है, एक वॉचिंग टावर है और सब कुछ है. सिडको शायद इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए. दो तीन कंपनीज है वो बना रहे हैं. एंड यहाँ पे साइट कंस्ट्रक्शन, साइट की कंडीशन क्या है वो कैसा ये आगे होगा और यहाँ पे एक्चुअल साइट की कंडीशन कैसी है. यहाँ पे ऐसा होगा, ये देखो, ये प्रपोज 3D व्यू है, ये कुछ ऐसा दिखेगा. ये टेम्पल है वो और ये पूरा फोर्ट है. सो दिस इज द साइट कंडीशन राइट नाउ. वी हैव ये साइट कंडीशन है, अभी आप जाके ये साइट कंडीशन ऊपर देख सकते हो. पूरा व्लॉग, पूरा इन्फॉर्मेशन भरा रहेगा, सब कुछ इन अ सिंपल वे इन दिस चैनल. और ये प्रपोज्ड वर्क है, यहाँ पे कैफेटेरिया भी है एंड फ्लोर प्लान आपको देखना है तो मैं थोड़ा नज़दीक लेता हूँ. ये देखो आप फ्लोर प्लान बराबर से देख लो एंड ये भी एक व्यू है. सो आपको पॉज करके पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ सकते हो. किले, गाँव, ठान, बेलापुर, बेलापुर फोर्ट. तो चलो गाइज अभी आगे आगे चलते हैं. ये सब लोग काम कर रहे हैं, ऊपर जाने का परमिशन है, काम चल रहा है. कब तक चलेगा काम? अच्छा, दो तीन साल. अच्छा, यहाँ पे जो काम करते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मिनिमम एक साल डेढ़ साल लगेगा. सो चलो अभी अंदर चलते हैं. इस तरफ आपको जाना है आगे
और वहाँ से राइट लेना है आपको, एक बोर्ड मिलेगा वहाँ से राइट लेना है। ऊपर चढ़ोगे तो मंदिर है और राइट लोगे तो आप बेलापुर फोर्ट के टूर जाओगे। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा, तो चलो चलते हैं यार। ये बेलापुर फोर्ट का एक छोटा सा बुरुज बोलते हैं इसको, और एक थोड़े अवशेष है यहाँ पे भी काम चल रहा है। एंड यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ा है, तो एक पुलिस चौकी है। और यहाँ पे आप बस से आ सकते हैं, बस का यहाँ पे बेलापुर किला स्टॉप है यहाँ पे। एंड ये आयुरे स्क्वेयर, यहाँ पे ब्रिज है, इधर टूवर्ड सुलवे जाएगा, आगे थाने जाएगा और यहाँ पे पाम बीच रोड यहाँ से जाता है। सो यहाँ से आपको सीधा जाके अभी राइट लेना है, तो चलो अभी यहाँ से सीधा जाके राइट लेना है। राइट लेके फोर्ट है और सीधा जाओगे तो वो गोवर्धन माता का मंदिर है, तो वहाँ पे चलते हैं, दोनों भी एक्सप्लोर करूँगा आज, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, आप यहाँ से जब आओगे तब आपको ये सिडको गेस्ट आउट का रूट दिखेगा, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। बहुत जगह कन्फ्यूजन है, यहाँ से आगे एक दूसरा रास्ता जाता है और यहाँ से बेलापुर फोर्ट, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अभी, देखते हैं। ओके गाइस, हम लोग बस वहाँ पे गाड़ी पार्क किए हैं एंड बस यहाँ पे आए हैं। सो यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, गेस्ट हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता आपको सिलेक्ट करना है, ना कि उस उधर रेती बंदर की तरफ जो L&T का काम चल रहा है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं देखने के लिए, लेकिन अंदर जाने वो अलाउड नहीं कर रहे, ऐसा आपको लिखाई देगा जहाँ पे लिखा है बेलापुर फोर्ट की तरफ जाने का रास्ता, और यहाँ पे भी लिखा है बेलापुर का किला, मतलब बेलापुर का फोर्ट। सो यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, देखो अभी ट्रैक्टर भी आ गया है, तो काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आप संभाल के जाइए, कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं, छोटा ही है, इसको जाने देते पहले फिर बात करते हैं। तो चलो अभी आगे देखते, पहले देख लेते आगे क्या क्या है, आपको आगे लेके जाऊँगा आगे क्या क्या है। सो आगे एक है आसरा देवी का मंदिर, और उसके आगे एक गेस्ट हाउस, तो वो भी थोड़ा शॉर्ट टूर कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिप कर लेंगे। देखो वहाँ से वो सामान लेके जा रहे हैं, जो रिनोवेट फोर्ट हो रहा है उसके लिए सामान लेके जा रहा है ट्रैक्टर में, वहाँ से बहुत अच्छा रोड किया है, यहाँ से भी है, यहाँ से थोड़ा ट्रिक जैसा है सब घूम के, तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। हम लोग अभी वहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ से रिटर्न आएंगे। सो आप ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज होने का कोई चांसेस नहीं है। तो चलो अभी आगे जगह चलते हैं, तब तक अभी सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, और सिनेमैटिक शॉट एंजॉय किया तो लाइक करना मत भूलो, ठीक है? तो चलो चलते हैं भाई साहब। यहाँ पे देख लो सती आसरा देवी का मंदिर है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, देखो यहाँ पे रोड भी बना है, बहुत बारिश नहीं है आज तो आप आ सकते हो, और ग्रीनरी भाई साहब माँ कसम बहुत ही अच्छा ग्रीनरी। और आगे सिडको गेस्ट हाउस है, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा, दिखाऊँगा सब कुछ आपको आगे, तो चलो चलते हैं। एक गाड़ी दिख रही है, कौन है पता नहीं, लेकिन भाई साहब रूट तो बहुत ही अच्छे है, यहाँ पे देख लो बहुत अच्छे ऊपर जाने के लिए है, और बहुत प्राणी एनिमल्स मिल सकते हैं ऊपर जाके, चलो देखते हैं। और आवाज़ सुन पा रहे हो आप, डेंजर है।
पे गाड़ी पार्क की है और यहाँ से ट्रैक, छोटा मोटा ट्रैक बोल सकते हैं आप, चालू करेंगे हम लोग। देखो रोड थोड़ा सा ख़राब है लेकिन ठीक है, अभी चलते हैं और पहले वो मंदिर एक्सप्लोर करते हैं, देन फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से, आधे एक घंटे में टोटल दोनों भी एक घंटे के आसपास में हो जाएगा, लेकिन फोटोग्राफ भाई साहब बहुत अच्छे आने वाले। तो चलो अभी फिर से, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा ये ट्रिक करने के लिए, ज़्यादा नहीं। चलो चलते आगे आगे, फुल रूट आपको एक्सप्लोर करूँगा। और यहाँ पे बारिश के मौसम में मज़ा भाई साहब बहुत अच्छा। तो चलो फोर्ट, मतलब थोड़ा सा गिर गया है लेकिन पूरा फोर्ट नहीं, वहाँ पे काम चल रहा है। तो देखते हैं अभी अंदर जाके एग्जैक्टली मंदिर कहाँ पे है एंड फोर्ट, मुझे लगता है फोर्ट तो यही है, देखते आगे जाके। ओके सो गाइज, हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का फ़ोटो एंड एक महादेव का छोटा सा टेंपल है, जो भी अभी आप इंफॉर्मेशन एक आदमी ने दी है, यहाँ पे जो काम चल रहा है पूरा रिनोवेट हो रहा है, जैसे रिनोवेट हो रहा है तो आप देख सकते हैं काम चल रहा है। और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, कहाँ बहुत सारा गिर चुका है, बहुत सारे मतलब पत्थर वगैरह गिर चुके हैं, तो मैं ऊपर जाने की रिस्क अभी नहीं लूँगा। सो मैं अंदर थोड़ा सा आपको जाके दिखा सकता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। सो पहले आपको चप्पल उतारना पड़ेगा क्योंकि भगवान की मूर्ति एंड ऑल है, पवित्र जगह है, तो आप पहले चप्पल उतार के पूरा ऐसा चले जाइए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप शिवाजी महाराज का एक फ़ोटो है एंड फ्लैग भी है। उसके बाद यहाँ पे एक महादेव का मूर्ति है और यहाँ पे जय शिव शंभु यहाँ पे लिखा है। सो दैट्स इट, यहाँ पे इतना ही है। ओके सो मैं अभी दर्शन कर लेता हूँ एंड आपको मिलता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे बस इतना ही है, यही है फोर्ट। ये देख सकते हैं आप, पूरा गिर गया है, यहाँ पे पूरा गिर गया है, कुछ नहीं है अभी। जब तक ये रिनोवेट काम पूरा नहीं होता है तब तक इसमें आना भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे एक दिन आना ही था, मुझे बहुत इच्छा थी, मेरी विश थी कि मैं यहाँ आऊँ देखूँ। और ये बहुत प्राचीन फोर्ट है बेलापुर का, पुर्तगीज कालीन में ये बना है। उसके बाद यहाँ पे मराठा ने इस पर आक्रमण करके किला जीत लिया था। सो बहुत ही अच्छा किला है, सो आप ज़रूर एक टाइम विज़िट करिए। अभी तो कर सकते हैं विज़िट, लेकिन कुछ इतना ये नहीं है बना हुआ, जब फुल बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है जैसे कि आपको बताया मैंने, तो जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो भाई साहब ये देखने में बहुत अच्छा होगा। ऊपर भी जा सकते हैं इस पर चढ़ के, लेकिन कुछ ऐसा मतलब इतना कुछ ये नहीं है जाने के लिए, और पूरे पत्थर वगैरह गिर चुके हैं, लेकिन फोर्ट बहुत अच्छा है। बोलते कि यहाँ से कुछ तो भी एक छोटी सा टनल लगता है। सो वहाँ पे जो बोर्ड लिखा था सावी आसरा देवी मंदिर जाने का रास्ता, सो वहाँ से ही आप आओगे ना तो भी ये किला विज़िट कर सकते हो। और यहाँ से भी आगे से रास्ता है, वहाँ से भी आप किला के लिए आ सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं आगे दिखाऊंगा। चलो गाइस, यहाँ पे इतना ही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। एंड अभी वो देवी का मंदिर देखते हैं कहाँ पे है।
बस इतना ही यहाँ पे है। आप इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो एक लाइक कर देना यार। और हम लोग आए थे इस रास्ते से, अभी जाएंगे इस रास्ते से जहाँ से आपको मैंने दिखाया था बेलापुर फोर्ट लिखा है। सो चलो अभी थोड़ा जंगल का ट्रिक है छोटा मोटा, तो जा रहे इस रास्ते से, देखते हैं। तो हम लोग पहुंच गए वो पोस्टर की नियर अबाउट, देखो। और यहाँ पे बड़ा थोड़ा स्टेप है, ओके। ओह माय गॉड, यहाँ पे किसी की तो भी बाइक खड़ी है, कोई तो भी है जो काम करने वाले उनके। और ये देखो, हम लोग उस रास्ते से भी आप जा सकते हैं, वो रास्ता थोड़ा अच्छा है। और ये रास्ता भी है जो ऐसा टर्न होके जाता है, वहाँ से हम लोग उतरे। तो आप प्रीफर कर सकते हैं कौन सा भी एक रास्ता जैसे आप जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बाले किल्ला कड़े, मतलब बेलापुर फोर्ट के लिए जाने का रास्ता। एंड लुक एट द व्यू, बहुत अच्छा व्यू है। और ये देखो, यहाँ से तो भाई साहब बहुत अच्छा व्यू है। आ रहे हो या ना, फोटोग्राफ्स के लिए DSLR लेके आओ, बहुत अच्छा है। और मेन पॉइंट ये कि आप यहाँ पे गंदगी मत करो, बहुत गंदगी यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, तो गंदगी मत करो। यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है, वो देख सकते हैं। सो लुक एट द व्यू मैन। सो अभी वो देवी मंदिर है वो, उसका डायरेक्शन इस तरफ लिखा था लेकिन नहीं है। सो अभी उस मंदिर के तरफ जाने का ट्राई करते हैं, चलो अभी। सो गाइस देखो, मैं ये गेट के अंदर, सिडको गेट के अंदर आ चुका हूँ। ये है सिडको गेस्ट हाउस। सुरक्षा चौकी पहले आपको उनको मिलना चाहिए। और ये देखो रेती बंदर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे रेती बंदर का काम चल रहा है, वो ब्रिज का काम चल रहा है। उसका पूरा वीडियो मैं इधर आए बटन में दे देता हूँ, क्या है क्या नहीं। और उसके पास भी एक दिन जाऊँगा और उसका भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सो स्टे ट्यून इन विद दिस चैनल। सो इधर का काम L&T का है, तो L&T वाले काम कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। और ब्रिज होने को बहुत सारा टाइम लगेगा, जो ब्रिज डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला है मुंबई को, ठीक है। तो चलो अभी आगे उसको पूछते कि वो मंदिर कहाँ है। ये यहाँ पे मैं जाके आया और उनको पूछ के आया कि मंदिर कहाँ पे, लेकिन मंदिर यहाँ पे नहीं है। मंदिर के लिए जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी वहाँ पे बोट था। सो एक रास्ता गेस्ट हाउस के लिए जाता है एंड एक रास्ता जो है वो मंदिर के लिए जाता है। तो एक सिंपल शॉट में वहाँ पे भी जाके आएंगे, देखते हैं वहाँ पे भी आपको कैसा लुक एंड ये आता है। तो चलो अभी फोर्ट देख लिया आपने, अभी उस मंदिर, तो चलो चलते हैं गाइज। यहाँ तक ब्लॉग पसंद आया तो यार लाइक कर देना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आपने पूरा देख लिया होगा मैं कैसे आया कैसे नहीं है। और यहाँ से वो स्टेयर कैसे है जैसे आप वो टेंपल के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन, आप थोड़ा पूछ लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन जाता होगा तो। अभी एक्सप्लोर करते हैं टेंपल कैसा है कैसा नहीं है। देखो वो वाला टेंपल है, तो चलो अभी थोड़ा इधर भी ट्रिक जैसा है, फास्ट में जाके थोड़ा कवर कर लेते हैं। इसके बिना ये बेलापुर फोर्ट और ये टेंपल के बिना ये व्लॉग को कंप्लीट करना मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैं पूरा ही कंप्लीट करके ही रहूँगा इसको। तो चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं अभी। सो गाइस यहाँ से हम लोग आए और दिस इज़ द टेंपल, जो गोवर्धन माता टेंपल या फिर सती आसरा देवी टेंपल ऐसे इसका नाम है। और चलो अभी मंदिर में जाते और टोटल मंदिर एक्सप्लोर करते। आप यहाँ आ रहे हो तो ये मंदिर प्लस बेलापुर फोर्ट दोनों भी एक्सप्लोर कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है।
गाइज यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, गोवर्धनी माता मंदिर का थोड़ा डिटेल्स है यहाँ पे लिखा हुआ। ये आता है बेलापुर सीबीडी में और ये है माता का टेम्पल। बस यहाँ पे एक माता का मंदिर है और बाहर आपको ऐसे बैठने के लिए थोड़ी बहुत जगह है। इस प्रकार कुछ यहाँ पे बाहर बैठने के लिए जगह है। एंड फोर्ट से मुझे लगता है आप यहाँ से आ सकते हो क्या? नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है फोर्ट से यहाँ आने के लिए, तो आपको वो स्टेयर केस से ही आना पड़ेगा। सो बस यही है गाइस, दोनों भी फोर्ट एंड ये मंदिर पूरी तरीके से प्रॉपर वे से इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है इन अ सिंपल वे। सो आपको ये व्लॉग पसंद आया, ये टेंपल पसंद आया, तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता ही है बॉस यहाँ पे। सो अभी चलते हैं घर, आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर लवली सपोर्ट, 1000 यूट्यूब फैमिली। भाई साहब ये मेरे लिए बहुत ह्यूज अचीवमेंट है। देखो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए आज ये स्पेशल व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ। सो और एक स्पेशल व्लॉग आने वाला है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और थैंक यू गाइस, 1000 की यूट्यूब फैमिली, मतलब मुझे अभी भी सच नहीं लग रहा है कि 1000 की फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इतनी वेल ट्रस्टेड फैमिली, एक ट्रैवल आर्मी बना दी है हम लोगों ने। सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना, बहुत प्यार आ रहा है आपकी तरफ से। सो गाइस ऐसे ही आगे और बढ़ना है, ये तो बस एक छोटा सा पड़ाव था। सो आगे 10K तक जाना है, फिर 100K तक जाना है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। सो टिल देन टेक केयर एंड ऐसे ही मुस्कुराओ और देखते रहो मेरे ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, पापा एंड स्टे कनेक्टेड।